दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं FTRE यानी कि फिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम 2021 के बारे में, जिसमें दोस्तों आपको ट्यूशन फी में अप टू 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको कैश प्राइज भी अवार्ड किए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एज अ फिजी स्टूडेंट रहते हुए NTSC, KBPY, ओलंपियाड्स इन सब टाइप के एग्जामिनेशन में आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो इसके लिए अलग से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको आप फिजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर पाएंगे अदर स्कॉलरशिप के सेक्शन में। तो सारी डिटेल्स हम लोग कवर करने वाले दोस्तों FTRE 2021 के रिगार्डिंग। और आपसे आगे बढ़ने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की आगे भी चैनल पे आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एग्जाम जो है दोस्तों 10 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फी आपको ₹300 पेड करने होंगे। पिछले ईयर के मुताबिक इस बार थोड़ा यहाँ पे कम रखा गया है, पिछले ईयर अप्रॉक्स 500-700 के आसपास थे। लास्ट डेट जो है दोस्तों अप्लाई करने का वो 8 अक्टूबर 2021। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना भी हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। तो एग्जाम जो है दोस्तों 3 पेपर में कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 में एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, टाइमिंग जो है 9 AM से लेकर के 10:30 AM। पेपर 2 में दोस्तों PCM से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे JEE मेंस लेवल के, टाइमिंग जो है 11 AM to 1 PM तक होगा। पेपर 3 में दोस्तों एडवांस लेवल के PCM से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइमिंग 2:30 PM to 5:30 PM। और एग्जाम जो है दोस्तों ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे और क्वेश्चन भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसका रिजल्ट जो है दोस्तों 14 अक्टूबर 2021 को अनाउंस कर दिए जाएंगे। आप इसी वेबसाइट के थ्रू रिजल्ट भी चेकआउट कर पाएंगे। बात करें दोस्तों प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स के बारे में कि इस एग्जाम के थ्रू आपको कितने प्राइज और कितने स्कॉलरशिप आपको अवार्ड किए जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख पाएंगे आप लोग कितने रैंक में आते हैं तब वो कितने कैश प्राइज अवार्ड किए जाएंगे और कितने ट्यूशन फी में आपको स्कॉलरशिप अवार्ड किए जाएंगे। ये तो अवार्ड किए ही जाएंगे, इसके साथ ही दोस्तों अदर स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एज ए फिजी स्टूडेंट रहते हुए। NTSC, KBPY, ओलंपियाड्स किसी भी एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको इसके लिए अलग से कैश प्राइज अवार्ड किए जाते हैं, जिसको आप अदर स्कॉलरशिप भी सेक्शन में भी चेकआउट कर पाएंगे। ओके, तो इसको डिस्कस करेंगे तो हो सकती है वीडियो थोड़ी यहाँ पे लंबी हो जाए, इस कारण वीडियो को पॉज करके भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे टेस्ट में, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद दोस्तों एक सिलेबस को अपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं टेस्ट में वो सब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और आपको डाउनलोड्स के सेक्शन में फिजी रिवॉर्ड्स करके एक PDF मिल जाता है, जिसमें NTSC, KBPY, ओलंपियाड्स एज ए फिजी स्टूडेंट रहते हुए इन सब एग्जाम्स में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तब वो क्या कैश प्राइज अवार्ड किए जाएंगे, मेडल्स भी आपको इनफैक्ट अवार्ड किए जाने वाले हैं। तो और भी दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं फिजी अवार्ड्स के रिगार्डिंग, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए गए हैं, जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों नियरेस्ट फिजी सेंटर विजिट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड वगैरह से, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आप अपने फोन से ही कर पाएंगे, जैसे इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और आपको एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एग्जाम डेट देख पाएंगे, 10 अक्टूबर को जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और नीचे आपसे पूछा जाता है इसके पहले कि आपने फिजी के किसी भी स्कॉलरशिप में किया था आपने, तो यहाँ पे दोस्तों हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने होते हैं, स्टूडेंट्स नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह, ईमेल आईडी दोस्तों डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्लास 12 पास आउट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि FTRE में ओनली क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना है, कंट्री हमारा आ ही चुका है। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालेंगे। स्टडी सेंटर में दोस्तों आप फिजी के जिस सेंटर में आप स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम नंबर आ ही चुका है। टेस्ट मोड में दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। जैसे दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टेस्ट सेंटर में आप दिखा रहा है टेस्ट सेंटर इज नॉट अवेलेबल, तो इस कारण बेटर आप यहाँ पे ऑनलाइन ही सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्कूल की डिटेल्स डालने होते हैं, अदर डिटेल्स में आपको अपने पेरेंट्स के फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको इस टेस्ट के बारे में कहां से पता चला, तो यहां पे हम वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद IRE टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। जैसे दोस्तों सबमिट करते हैं तो आपको ₹300 का रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। इसको पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ डिटेल्स FTRE 2021 के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।